फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये वीडियो सजेस्टेड है फ्रेंड्स, और ये वीडियो जो है ना फ्रेंड्स, ये जो महाराष्ट्र में उथल पथल चल रही है ना, जो सरकारों की फ्रेंड्स, कभी देखते हैं तीन पार्टी मिला के सरकार करती है, और कभी देखते हैं मतलब बीजेपी के सदस्य जो है फडणवीस वो शपथ ले लेते हैं, कभी देखते हैं हमारे शिंदे साहब सीएम बन जाते हैं। तो उसी की ये जो उठा पटक चल रही है ना दिल्ली में, सॉरी दिल्ली दिमाग में आ जाता है, महाराष्ट्र में, उन्हीं के बारे में ये वीडियो है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हमको पता चलेगा फ्रेंड्स, और उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दें फ्रेंड्स। घर में या अपनी अंदरूनी सियासत में उलझे हुए थे, तो उनका बीजेपी के साथ आना, शिंदे गुट के साथ आना समझ में आता है। क्या आपको ये समझ में आता है कि फडणवीस को अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ रही थी? और ये बहुत दिलचस्प है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दांव खेला है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम जरूर है, लेकिन ये सरकार का पूरा ताना बाना उनका बुना हुआ है। चाहे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री घोषित करना हो, चाहे इसके लिए सारी कवायद करना हो कि सत्ता परिवर्तन कैसे हो जाए, चाहे शिवसेना में जिस तरीके से बगावत हुई और उसके बाद में जिस तरह शिंदे मजबूत हुए, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस का पूरा पूरा साथ रहा शिंदे के साथ। ये बातें बाद में बहुत स्पष्ट हो गई थी। अजीत पवार के मामले में देवेंद्र फडणवीस भी प्रयासरत थे, उतने ही जितनी छटपटाहट अजीत पवार के भीतर थी सरकार में आने की, उतनी ही आवश्यकता देवेंद्र फडणवीस भी महसूस कर रहे थे। आप जानना चाहते हैं क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ, इसकी बड़ी दिलचस्प वजह है कैसे देवेंद्र फडणवीस ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं, और ये दांव बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की सियासत को अगर आप समझना चाहते हैं तो हाल के घटनाक्रम को देखिए। दरअसल ये टेन्योर जो आया है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये सबसे ज़्यादा उठापटक वाला रहा। क्लियर मैंडेट नहीं था। यूँ देखा जाए तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाली दो पार्टियाँ, शिवसेना जो कि पहले पूरी थी, एकजुट थी, और बीजेपी, दोनों ने मिलकर पर्याप्त सीटें पा ली थी। इस गठबंधन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बात अड़ गई कि बार बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने सक्सेसफुली अपना टेन्योर पूरा किया था, ये भी कम हुआ है कि एक मुख्यमंत्री 5 साल तक चल जाए, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से करके दिखाया गया। और जो अभी हो रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई मुख्यमंत्री 2 साल 3 साल इतना ही चल पाता है। बड़े बड़े चेहरे भी जो है अपने कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए महाराष्ट्र में। खैर, अब आइए इस टेन्योर पर। तो जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अपना मन बदला, और फिर उसके बाद में शरद पवार ने अपने राजनीतिक दिमाग से महाविकास अघाड़ी की रचना करी, उद्धव ठाकरे ने समर्थन दे, विपरीत विचारधारा के थे, खिलाफ चुनाव लड़कर आए थे, लेकिन सत्ता में आ गए, और उद्धव ठाकरे पहली बार ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री बने। बहुत लोग इसको बड़ी गलती के तौर पर भी बताते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन फिर भी सरकार तो बन गई, सरकार चलने भी लगी। इस सरकार में एकनाथ शिंदे भी मंत्री थे। अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस शांत नहीं बैठे। देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रयास जारी रखे। शिंदे की बगावत, उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हाल का घटनाक्रम आपको पता है। सरकार तो बन गई, अब जानने की कोशिश करिए कि अजीत पवार की आवश्यकता फिर भी क्यों महसूस की जा रही थी। हाल के दिनों में अजीत पवार पहली बार चर्चा में नहीं आए हैं। अजीत पवार को लेकर पहले ही कयास लग रहे थे। सबसे पहले तो जैसे ही उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, अजीत पवार जो हैं वो सीधे देवेंद्र फडणवीस से जा मिले थे। 3 दिन की सरकार भी रही, डिप्टी सीएम पद की शपथ तब भी ले ली थी, मामला चल नहीं पाया क्योंकि तब डैमेज कंट्रोल कर लिया था शरद पवार। तब सरकार तो गिरनी थी क्योंकि और कोई साथ में था नहीं, ना ये शिंदे गुट था, ना उद्धव की तरफ से कोई बात बन पा रही थी। तो कुल मिलाकर उस समय बीजेपी सरकार, आज की स्थिति अलग है। आज डैमेज कंट्रोल कर भी ले शरद पवार तो देवेंद्र फडणवीस को फर्क नहीं पड़ता, उनकी सरकार तो चल रही, फिर क्या जरूरत है अजीत पवार की? दरअसल अजीत पवार एक कैटलिस्ट की एक ऐसी भूमिका में है जहां वो सरकार को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार कमजोर कहां पड़ गई? जब इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए जाते हैं तो आपको वो मूल प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि अजीत पवार की आवश्यकता देवेंद्र फडणवीस की महसूस कर। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने जो निशाना साधा है वो शिंदे गुट, निर्दलीय,
और बीजेपी में भी कई बड़े बड़े चेहरे, जो मंत्री पद की आप सुगबुगाहट सुन रहे थे ना इतनी दिनों से, हमें मंत्री बनाओ, हमें मंत्री बनाओ, और आप एकनाथ शिंदे के उस बयान को भी याद रखिए, उनसे बार बार कहा जा रहा था कि भाई आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं, आपको फूट की आशंका है, आपके यहाँ बगावत हो जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से चैलेंज किया जाता था कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही फूट होनी तय है, सरकार गिर जाएगी, ये दावे तक किए गए। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को और मजबूत कर दिया और 40 विधायक वो साथ में लेकर आ गए, 40 इधर 40 इधर, यानी सारे के सारे वो अपने पाले में ले आए। पोस्ट पोल अलायंस और प्री पोल अलायंस में बड़ा फर्क होता है, जमीन पर उतरने के पहले और जब जीत जाते हैं, संख्या बल के आधार पर आ जाते हैं तो बड़ा फर्क हो जाता है। ये समीकरण हमने कई बार, बिहार बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, आप देखें नीतीश कुमार अभी RJD के साथ में सत्ता चला ही रहे हैं, ये NDA जो कुछ दिनों सत्ता में थे अभी विपक्ष में बैठ गई है, यही उद्धव ठाकरे जो सत्ता में थे वो अब विपक्ष में जाकर बैठ गए, लेकिन NCP सत्ता में थी और NCP का अजीत पवार गुट दोबारा सत्ता में आ गया है। शिंदे गुट पहले भी सत्ता में था और शिंदे या शिवसेना पहले भी सत्ता में थी और शिंदे गुट जो उसका हिस्सा था तो निश्चित तौर पर वो भी सत्ता में था, लेकिन अब उसका शिंदे गुट वाला हिस्सा जो है सत्ता में आ गया। सत्ता में ये दो लोग पहले से थे, ये एक दिलचस्प है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे समीकरण को साधा और इसके मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस ही कहे जाएंगे। वो शरद पवार पर भारी पड़ गए ये कहना भी गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस निर्विवाद रूप से सबसे बड़े चाणक्य इस हाल के राजनीतिक उठापटक के दौर में उभर कर सामने आए हैं। कैसे? अजीत पवार को वो जैसे ही साथ में ले आए हैं, शिंदे गुट में जितने बगावत के सुर या धमकी कहना भी गलत नहीं होगा, दरअसल अपरोक्ष रूप से धमकी ही थी, हमें ये पद दीजिए वो पद, और निर्दलियों में भी कई लोगों को आपने आपसी उठापटक करते देखा, भाई अब कैसे शांत हो जाएंगे। अब सरकार का बैलेंस कुछ ऐसा बना है कि शिंदे गुट से 10-5 विधायक कुछ कहते भी हैं तो सरकार खतरे में नहीं आती है संख्या बल के आधार पर। इसी तरह से अजीत पवार के साथ में अगर 40 नहीं भी होते हैं, उनमें भी 10-12 लोग जो हैं वो कुछ उठापटक करते हैं तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, शरद पवार चाहे जितना डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर लें। शरद पवार ने इसीलिए, देखिए शरद पवार के बयान पर अब आता हूँ, शरद पवार के बयान में एक हताशा दिखाई पड़ती है। वो कहते हैं मैंने 5 विधायकों के साथ फिर से पार्टी को खड़ा कर दिया था, अल्टीमेटली जाना जनता के बीच में है, मैं और ज़्यादा ताकत के साथ में विपक्षी एकजुटता की, ये सारे बयान क्या बताते हैं? ये बयान ये बताते हैं कि शरद पवार कहीं ना कहीं अंदरूनी राजनीति में कम से कम संख्या बल के आधार पर तो अपनी हार स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। हार मानेंगे नहीं, वो हर मुमकिन प्रयास करेंगे, मैंने आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट में बताया भी है कि उनके पास क्या विकल्प हैं, कानूनी विकल्प क्या हैं, शिंदे गुट उद्धव गुट की तरह वो लड़ाई भी लड़ सकते हैं, चुनाव सब कुछ प्रयास कर सकते हैं, पर हमने हाल के दिनों में देखा है ये प्रयास करने के बाद उद्धव गुट को क्या मिला है और शिंदे गुट ने ये लड़ाई कैसे लड़ी है। ये लड़ाई अब लड़नी है अजीत पवार को, इसमें देवेंद्र फडणवीस का पूरा पूरा सिर, वो है नहीं कहीं इनकी अंदरूनी लड़ाई में, ना वो शिवसेना की लड़ाई में कहीं है ना NCP, लेकिन देखा जाए तो वही है इनके केंद्र में भी। देवेंद्र फडणवीस ने अभी जो समीकरण बना लिया है सरकार, बेशक वो उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनको सुपर CM कहना गलत नहीं होगा। एकनाथ शिंदे जो हैं वो CM जरूर हैं लेकिन वो तवज्जो देते हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और BJP ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को आगे किया था। इसको देवेंद्र फडणवीस के जितने समर्थक हैं या कई BJP के नेता भारी मन भी कह चुके हैं कि भारी मन से निर्णय, और देवेंद्र फडणवीस चाहते भी नहीं थे, वो चाहते तो किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते थे, क्योंकि राजनीति के केंद्र में रहना या सियासी चाणक्य बने रहना ज़्यादा बड़ा कद देता है। लेकिन यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिले सरकार में, BJP चाहती थी, शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि उनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट हो, वो भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने, क्योंकि योजनाएं होती हैं आगामी चुनाव में उतरने से पहले, जनता के बीच जाने के पहले, अगर आप सत्ता में होते हैं और आपके पास बड़े मंत्रालय होते तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है योजनाओं के लिहाज से, जनता के बीच कई मैसेज देने के लिहाज से। खैर, देवेंद्र फडणवीस ने अभी कहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में सत्ता को साध लिया है, और अभी उन्होंने जो पूरा एक मैनेजमेंट तैयार किया, खास तौर पर शिंदे के बाद में अजीत पवार को जैसे साथ में ले आए हैं, ये सरकार फिलहाल मजबूत दिखाई देती है और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में बहुत बड़ी सेंध लगा दी। ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत को साधने तक सीमित नहीं है, जितना भी महागठबंधन का प्रयास, विपक्षी एकजुटता का प्रयास हो रहा, उसमें कांग्रेस, NCP और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा के लिहाज से भी BJP के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आगामी दिनों में जनता के बीच में इस सारी कवायद का क्या असर जाता है कहना बड़ा मुश्किल है। उद्धव भी यही कहते रहे हैं, वो गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, यही शब्द अब शरद पवार की तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन विधायकों के अपने समर्थक होते हैं, अपनी ताकत होती है, पार्टी छोड़ी नहीं है। देखिए ये भी गौर करने वाली बात है, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी, शिंदे ने शिवसेना ले ली, अजीत पवार ने दावा अभी से कर दिया, मिली नहीं है लेकिन दावा कर दिया एनसीपी हमारी है, इसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। यानी शिवसेना और एनसीपी इन दोनों के नाम चुनाव चिन्ह बीजेपी के साथ गढ़ा, वो तो सीटों का बंटवारा क्या होता क्या नहीं होता देखा जाएगा। अब इधर क्या बचता है महाविकास, कांग्रेस तो बची हुई है, कांग्रेस के अपने विधायक हैं, लेकिन ना तो एनसीपी बचती दिखाई दे रही शरद पवार के पास, ना उद्धव के पास, ना शिवसेना। ये जनता के बीच में जाएंगे, क्या माहौल होता है, क्या रिस्पॉन्स जनता का मिलता है, ये आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को लाकर एक बड़ा दांव खेला है, और जितनी अजीत पवार को सत्ता में आने की ज़रूरत महसूस हो रही थी उससे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी देवेंद्र फडणवीस को कि अजीत पवार और उनके विधायक भी उनके साथ में आ जाए, ताकि सरकार मजबूत हो जाए और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में कमजोर हो जाए, ताकि आगामी चुनाव में उसके हौसलों को पस्त किया जा सके। शरद पवार कह रहे हैं कि मैं दोगुनी ताकत से अब विपक्षी एकजुटता के लिए जुड़ूंगा, लेकिन विपक्षी एकजुटता के अन्य चेहरे उनके विषय में क्या सोचेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अमर उजाला, अब आपके टीवी पर, अपने स्मार्ट टीवी पर। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में जैसे मैंने बोला, महाराष्ट्र में उठापटक जो राजनीति में चल रही है उसी के बारे में ये वीडियो था। और देखिए, हम वैसे सोचेंगे तो हमको ये दिखाई पड़ता है कि शिंदे साहब जो थे है उन्होंने शिवसेना के साथ दगा किया, और अजीत पवार जी जो है उन्होंने शरद पवार जी के साथ दगा किया, वैसे हमको ये दिखाई देंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आगाज ने कौन, किसने किया, जैसे आगाज करोगे अंजाम वैसा ही होगा फ्रेंड्स। कि आगाज कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई फ्रेंड्स, जब दोनों पार्टी ने मिल के चुनाव लड़ा था और जनता ने मैंडेट दिया था, तब बात ये हुई थी शिवसेना ने और बीजेपी ने, यानी एनडीए बन के गठबंधन में चुनाव लड़ा था, और जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया था। उसमें जो सीएम के चेहरे थे वो देवेंद्र फडणवीस थे फ्रेंड्स, लेकिन जो उद्धव ठाकरे जी के चाणक्य है, कौन चाणक्य है हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप सीएम की कुर्सी पर बैठो, और वही कुर्सी का जो लालच नहीं बोले, कुर्सी की जो बात थी फ्रेंड्स, उसमें ये पूरा पलड़ा ही उलट पलट हो गया राजनीति में फ्रेंड्स, और तब से यही चलता आ रहा है। दो तीन पार्टी ने मिला के जहाँ जिसकी विचारधारा नहीं मिलती है वो ऐसी पार्टियों ने, तीनों ने गठबंधन किया, और उस गठबंधन के बाद दो ढाई साल तक पार्टी चली, लेकिन उसमें जो शिंदे साहब थे और बहुत सारे जो विधायक थे उनको विचारधारा नहीं पसंद आ रही थी, वो शिंदे गुट अलग गया। अब जो पवार साहब का भी जो गुट है वो भी, अजीत पवार जी का वो भी अलग गया, क्योंकि विचारधारा नहीं मिलेगी तो फिर किस बात की आप, मतलब राजनीति की इस हिसाब से होती है, एक पार्टी की विचारधारा ही आपको जनता के बीच पहचान दिलाती है। जैसे बीजेपी की विचारधारा, यानी उनके हमेशा से बीजेपी के जो मैनिफेस्टो निकलते हैं उसमें जिस हिसाब के उनके जो योजनाएं होती है वो जनता को मन में भाती है, और उसी हिसाब से जैसे राम मंदिर का मुद्दा हमेशा होता था उनमें, और वो मुद्दा जनता को भाया, वो हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है, तो उनके वोट प्रतिशत हिंदू लोग ज़्यादा है, इसी हिसाब से जनता आपसे जुड़ती है, आपकी विचारधारा पे ही आपसे जनता जुड़ती है। जब इन दोनों पार्टी की विचारधारा ही नहीं मिल रही थी, इन तीनों पार्टी की, तो ये चीज़ होनी ही थी। दूसरी बात है फ्रेंड्स, हर इतिहास गवाह है, हर बड़े राजा के पीछे एक चाणक्य होता है। अब वो चाणक्य राजा को गद्दी दिला भी सकता है और गद्दी से उठा भी सकता है। तो जो बीजेपी के जो चाणक्य है वो देवेंद्र फडणवीस अभी महाराष्ट्र में है, तो उन्होंने बीजेपी को तो गद्दी दिलाई ही दिलाई, लेकिन अब वो गद्दी स्ट्रोंग कर दी। जो शिंदे साहब का जो गुट था उसमें से जो इनडायरेक्टली धमकियाँ आ रही थी कि हमको मंत्रालय चाहिए, वो अब नहीं कर सकते,
क्योंकि अब वो जो बूट है वो मजबूत हो गया, जो बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि अभी शिंदे साहब के गुट से अगर दो चार विधायक इधर उधर हो भी जाते हैं तो सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि इधर अजीत पवार साहब जो है वो 40 लेके गए हैं फ्रेंड्स, तो उन्होंने वो मजबूत कर दिया। मोदी जी के पीछे कौन जाके वो हम जानते हैं, और बड़ी बड़े ही दुख के कारण बोलना पड़ रहा है, पर जो शिवसेना के जो पहले सीएम बने उद्धव ठाकरे जी के, उनके भी चाणक्य कौन है वो हमको दिखाई दे रहा है। तो चाणक्य बहुत बड़े चाणक्य मीन्स के कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए, और वही आपको गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं, जो हम में सत्य प्यार है। दूसरी एक बात, वीडियो थोड़ी लेंथ बड़ी हो जाएगी, फिर भी हम बात करेंगे। हम ये महाराष्ट्र में जो शिवसेना की हालत देखते हैं ना, तो हमको बहुत दुख होता है। शिवसेना फ्रेंड्स टाइग्रेस मानी जाती थी, वो टाइगर पार्टी थी फ्रेंड्स। उनके जो एक समय के पार्टी बनाने वाले थे फ्रेंड्स, हिंदू हृदय सम्राट फ्रेंड्स, हमारे बाला साहेब ठाकरे जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को सीएम बनाओ। वो मतलब अपना हमेशा समर्थन बीजेपी को देते रहे, क्योंकि उनको बीजेपी की जो विचारधारा थी वो पसंद थी, और वही विचारधारा के शिवसेना थी फ्रेंड्स। तो आज बाला साहेब ठाकरे जी की ये पार्टी का ये हालत देखते हैं ना, तो हमको शिवसेना सुनते हैं ना तो हम बाला साहेब ठाकरे जी के युग में चले जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आज उनकी ये हालत देखते ना तो बहुत बड़ा दुख भी होता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अच्छा लगे वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड्स, और कमेंट्स जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।